मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे मनपा के छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल में एक रात में 17 मरीजों की मौत पर हंगामा मच गया है। भारी मरीजों की संख्या और डॉक्टर की कमी जिसकी वजह से एक ही रात में 17 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इनमें 13 मरीज आईसीयू में, 4 मरीज जनरल वार्ड में थे। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं की है, लेकिन कहा जा रहा है कि निजी अस्पतालों में अंतिम समय में अस्पताल पहुंचने के कारण कुछ मरीजों की मौत हो गई है, जिसमें से कुछ मरीजों की उम्र 80 वर्ष से भी ज़्यादा थी। 17 लोगों की मौत की खबर सामने आने के बाद राजनीतिक पार्टी के नेता केदार दिघे, जितेंद्र भाट, अविनाश जाधव कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल पहुंच गए और हॉस्पिटल का घेराव किया, मनपा प्रशासन पर सवाल खड़े किए। आपको बता दें कि सिविल अस्पताल बंद होने के बाद से डॉक्टर और चिकित्सा व्यवस्था कम हो रही है, क्योंकि ठाणे जिले के सभी मरीज कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल आ रहे हैं। 10 अगस्त 2023 को जब एक ही दिन में 5 लोगों की मौत हुई थी, तो विधायक जितेंद्र भाट और अन्य दलों के नेता अस्पताल आकर विरोध प्रदर्शन किए थे और कल रात 10:30 बजे से सुबह 8:30 बजे तक लगभग 17 लोगों की मौत होने की खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री का ठाणे जिला है, मुख्यमंत्री के ठाणे नगर निगम उसमें अनेक वर्षों से सत्ता में रहने के बावजूद भी कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल की व्यवस्था बहुत खराब चल रही है। इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल का घेराव कर रहे विधायक जितेंद्र भाट ने क्या कुछ कहा है, आपको सुना दें। 3 दिन पहले भी ऐसी मौत हुई थी, कोई किसी ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। आज 17 मौत हुई है, कोई गंभीरता से नहीं लेगा, क्योंकि ये हॉस्पिटल उनके लिए खाने का एक जो रहता ना ग्रीन फील्ड, जहाँ पे गाय भैंसे चरती रहती है। ये थाना की जो बड़ी बड़ी भैंसे हैं वो इधर सिर्फ चरने के लिए आती है, खाने के लिए आती है। कोई सीरियस था, ये था, वो था, कोई कारण ऐसा है उनका तो कहना ये है कि आदमी आया है तो मरेगा ना। अभी वो हमारे इधर आके मरता है तो हम क्या करें। देखो मुझे मेरे नेता शरद पवार जी है सोलापुर में और वहाँ से उन्होंने ट्वीट किया है, यानी हम लोग महाविकास आघाड़ी के कितने संवेदनशील है ये बात इससे आपको पता चली होगी। हम ये इशू को पकड़ के रखेंगे। अब महापालिका को इसको सुधारने का कार्यक्रम लेना पड़ेगा, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री यहाँ रह के भी ध्यान नहीं देते इस अस्पताल पे परिजनों के। और ठीक है, मैंने सुना है कि वो बीमार है, पर कम से कम एक मंत्री, एक जिम्मेदार उनके मंत्रिमंडल का सदस्य, पालक मंत्री, इनको तो आना चाहिए था। मरते हैं लोग, मरने दो, गरीबों के जान की कोई कीमत होती है क्या? प्रशासन की तरफ से कहा गया आईसीयू में 50 लोगों की जगह है, अगर वहाँ पर 80 लोग आते हैं जरूरत से ज्यादा होते हैं। मैंने कहा है कि हर मरने वाले को 50 लाख रुपया मिलना चाहिए। उस टीम को हकल देना चाहिए, उसको तुरंत भेज देना। सर, 6 साल की बच्ची का मृत्यु होगा सलाइन लगाने के बाद इस तरीके से। ये भारतीय आरोग्य व्यवस्था में एक गंभीर घटना है। ये सलाइन लगाने से अगर लड़की की मौत हो रही है तो ये इस अस्पताल में सलाइन लगाएगा।